राज्य महिला आयोग की सदस्य नर्मदा गोड़ आज करनाल पहुंची। इस दौरान उन्होंने करनाल जिला में महिला थाना, सामान्य अस्पताल, महिला आश्रम, वृद्धाश्रम, रैन बसेरा व जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभाग के कार्यालयों में व्यवस्थाओं को जाना और उनमें कमी मिलने पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान हरियाणा महिला आयोग की सदस्य नर्मदा गोड का निर्भया के दोषियों की फांसी को लेकर भी दर्द छलका है। नर्मदा गोड ने दोषियों की फांसी की सजा को लेकर कहा कि सब दोषी अलग अलग याचिका लगा रहे हैं, जिससे फांसी होने में काफी देरी हो रही है। कोर्ट की तरफ से जो सबको फांसी देने का प्रावधान है वो गलत है, सबको अलग अलग भी फांसी दी जा सकती है। वहीं नर्मदा गोड ने कहा कि समय तय हो गया है, तारीख तय हो गई है, लेकिन फांसी नहीं हुई। उन्होंने रेप जैसे गंभीर मुद्दे पर अपनी बेबाक रखते हुए कहा कि ऐसे दोषियों का जो रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं उनको नपुंसक बना देना चाहिए, ताकि फिर दोबारा कोई ऐसी घटना ना हो सके। आप भी सुनिए हरियाणा राज्य महिला आयोग की सदस्य नर्मदा गोड़ ने निर्भया के दोषियों को लेकर क्या कुछ कहा है। कहीं ना कहीं देखिए, हम ये कहें कि नाइंसाफी हुई, नाइंसाफी तो नहीं हुई है, फांसी सजा हुई है। लेकिन अगर मेरी तरफ से देखें, मेरी पर्सनली महिला आयोग नहीं और एक आम व्यक्ति भी नहीं, सिर्फ एक मेरी अगर पर्सनल राय समझी जाए, कोई समझे मेरी पर्सनल राय को, तो मैं कहूंगी कि फांसी की सजा भी इन्हें बहुत ही कम दी गई है। ऐसे व्यक्तियों को काट कर इनको चौराहे पर नंगा खड़ा कर देना चाहिए, ताकि और लोगों को सबक मिले कि भी इस प्रकार से जो काम करते हैं फांसी का क्या है। अभी फांसी तो छोटी सजा है, कोई बहुत बड़ी सजा नहीं है फांसी, मरकर वो तो गया, लेकिन जिस पीड़िता ने इतना जो दुख झेला है उसका क्या? वो तो पल पल मरी होगी, पल पल मरी होगी, ये तो कुछ दिन से मर रहा है, बल्कि इसको जीने के दिन मिल गए इसको इस तरह से डिले होने पर। कानूनी प्रक्रिया जो है वो बदलने की जरूरत है। हाँ। बहुत ज्यादा इसके अंदर देखिए क्या है कि हर चीज के अंदर अमेंडमेंट हुई, लेकिन इसके अंदर अभी तक अमेंडमेंट नहीं हुई। फांसी की सजा का मतलब होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट तक एक व्यक्ति जब चला जाता है तो इट मीन्स उसको वो कम्प्लीट काम हो जाना चाहिए। उसके लिए कोई भी आगे कोई क्या बोलते हैं मर्सी पिटीशन है चाहे कुछ भी है, ये सब चीजें तो चलो होती हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना ज्यादा समय जो है नहीं लगना चाहिए। स्पेशली जो इस तरह का कि चार एक्यूज हैं, इकट्ठी सजा इकट्ठी फांसी लगेगी, इस तरह के प्रावधान के अंदर अमेंडमेंट की बहुत ज्यादा। मैं महिला थाने, फास्ट ट्रैक कोर्ट और बड़े इसके ऊपर काम किए गए, लेकिन फिर भी ये घटनाएं लगातार बढ़ भी रही हैं। देखिए सबसे बड़ी बात मैं कहूंगी इसके अंदर जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार कौन? सोसाइटी को बता, सोसाइटी तो हमारी जिम्मेवार है ही है, हमारी अपनी सोच ही तो है। दूसरी बात अगर हम ये कहेंगे महिलाओं के अंदर जागरूकता नहीं है, कि पुरुषों के अंदर जागरूकता नहीं है, क्या समानता नहीं आई, सभी कुछ हुआ है, बहुत प्रोग्रेस हुई है महिलाओं के लिए, लेकिन उसके बाद भी जो कहीं ना कहीं पुरुषों की, जो सभी पुरुषों की नहीं, कुछ एक जिनकी कुंठित मानसिकता रहती है, उन लोगों की जो मानसिकता है जो आज तक बदली ही नहीं है लड़कियों के प्रति, फिर वो लड़की 3 महीने की हो, 3 साल की हो, 30 साल की हो, चाहे वो 100 साल की हो, 60 साल तक, उसमें देखिए जब मैंने 100 साल बोल दिया तो 60 साल तो कहीं रह ही नहीं गई, लेकिन क्या होता है इसके लिए जिम्मेदार कौन है सबसे बड़ा? तो जो एक हमारा पहले तो किताबी लिटरेचर होता था, गंदी मैगजीन्स देखते थे लोग, अब वो लोग नहीं देखते हैं, अब क्या सारा दिन टीवी पे विज्ञापन आते हैं, उसमें हीरोइनों के ड्रेस का दिखाते हैं, आज उसने ऐसा प्रदर्शन किया आज वो हॉट लग रही है, मोबाइल पे भी आई, तो मोबाइल पे गंदी वीडियो, आप खोलना कुछ चाहते हो, आप बटन कोई दबाते हो लेकिन उसके अंदर गंदी गंदी वीडियोज आ जाती है, तो वो जिम्मेदार फिल्में है, फिल्में में होंगी पीछे है, आज इंटरनेट है, हमें थिएटर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अखबार देख लो, फोन देख लो, ये इस तरह के जो अकारण ही जो वीडियोस आ जाती हैं सामने, वो बहुत बड़ी मानसिकता जो है बदल देती है इंसान की। वो व्यक्ति शायद कहीं ना कहीं चाहता नहीं था, लेकिन इस प्रकार की फोटो देखकर, वीडियो देखकर वो इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति करने के लिए रेडी हो जाता है। उसको पता था कि नहीं पता, अभी बात हो रही थी कि नाबालिग, अब जो नाबालिग लड़का था उसको छोड़ दिया गया, नाबालिग कोई भी होता है उसको 3 साल की सजा जाता था और कुछ भी नहीं, सुधार गृह के अंदर भेज जाता है। आज का जो युवा है, जो नाबालिग है, आजकल हार्मोन्स के अंदर इतने ज्यादा चेंजेस हो गए हैं कि नाबालिग होकर भी बालिग से भी बड़े बड़े अपराध करता है, बहुत ज्यादा समझ है उसको, आज छोटे से बच्चे को कंप्यूटर की नॉलेज है, मोबाइल की नॉलेज है, कैसे करना है, क्या नाबालिग को। आपने सुना कि निर्भया के दोषियों की सजा को लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग की सदस्य नर्मदा गोड ने क्या कुछ कहा। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में महिला थाने स्थापित करने से महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी आई है, वहीं महिलाओं को उचित न्याय भी मिलना शुरू हो गया है। इन थानों के माध्यम से महिलाएं अपनी बात बेझिझक रख सकती हैं। हरियाणा सरकार की यह पहल महिलाओं के लिए अनूठी साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है।
वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन, जिला मुख्यालयों पर महिला थाने तथा उपमंडल स्तर पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना सरकार की महिला सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है। उन्होंने अपने निरीक्षण के दौरान महिला थाने में तैनात कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि थाने में शिकायत लेकर आई महिला के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाए और उसकी शिकायत को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। इसके बाद महिला आयोग की सदस्य ने शहर के नागरिक अस्पताल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जाना और मिल रही सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल में मौजूद एम्बुलेंस, कोरोना वायरस से संबंधित आइसोलेटेड वार्ड के साथ साथ हाजिरी रजिस्टर का भी अवलोकन किया। इसके उपरांत महिला आयोग की सदस्य ने महिला आश्रम और नारी निकेतन में महिलाओं से बातचीत की तथा जिला कारागार में बंदियों और कैदियों से भी मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ली और रैन बसेरों का भी निरीक्षण किया। देखिए एक रिपोर्ट। अभी वो ये नहीं कि महिला थाना ही हो, हर एक कॉलेज, हम कॉलेज को भी देख रहे हैं, लेकिन आज मैंने विजिट में नहीं रखा है, तो अगर कोई आज सुन लेगा तो उसको क्रैच वो बना लेगा तो बेटर है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मेरे कॉलेज में रहने वाली है। इज इट मैंडेटरी इन कॉलेजेस आल्सो? सभी जगह जहाँ पे लेडीज काम करती है, क्योंकि पीछे हमारे पास एक मेट्रो आया था यमुनानगर का, सिर्फ एक क्रैच की वजह से एक महिला बहुत ज्यादा परेशान रही, मतलब वर्किंग वुमेन को उनको फैसिलिटेट करने के लिए। जी, वर्किंग वुमेन को भी, और जहाँ पे की लेडीज, जैसे मान ले थाना है, यहाँ पे क्लाइंट्स भी आती है, कंप्लेनेंट्स आते हैं, लोग भी आती है, तो उनके साथ बच्चे होते हैं, तो बच्चे सफर करते हैं, तो बच्चे सफर ना करें, वो अपना बचपन इन खिलौनों के साथ जिए, वरना वो भी टेंशन के साथ और टेंशन में। ठीक है जी मैम, ओके, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, विजिट करूंगी, या जैसे अब सबको मालूम होता है तो उसमें भी कुछ लोग आ जाते हैं अपनी शिकायत देने के लिए, जिसको मालूम होता है, अगर कोई मिलेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उससे बात ना करें और उसका समाधान कराने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। मेरा प्रयास तो हमेशा रहता है कि 100% सॉल्यूशन हो, 100%, लेकिन उसकी प्रॉब्लम कैसी है, जेन्युइन है कि नहीं है, ये बात की बात है। प्राथमिकता दृष्टि से तो हम लोग उसकी सुनते भी हैं और कोशिश करते हैं समाधान जल्दी जल्दी हो। मैम, निर्भया की माँ दर दर ठोकरें खा रही हैं, वो उनका वीडियो भी कई जगह देखने को मिला, आप एक महिला हैं, उसके दोषियों को अभी तक फांसी नहीं हुई है, हैदराबाद में एनकाउंटर हो जाता है, क्या समझती हैं, क्या प्रोसेस होना चाहिए, किस तरह से चीजें देखनी चाहिए? जी देखिए, मैं कहूंगी अफसोस नहीं है, बहुत ज्यादा अफसोस है कि इतना डिले, इतने साल लग गए, इतने साल लगने पर भी निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा हुई, लोगों के मन में ठंडक हुई, चलो कहीं ना कहीं निर्भया को इंसाफ मिला, लेकिन मिलने पर भी मतलब सिर्फ एक एहसास हुआ कि मिल रहा है, न्याय मिल गया, लेकिन अभी तक मिला नहीं, क्योंकि माना ये कोर्ट की जो प्रोसीडिंग रहती है टफ होती है, क्योंकि कई सिचुएशंस रहती है जिसमें गुजरना पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहूंगी, हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि जिस प्रकार से अब जो चल रहा है कि एक साथ फांसी दी जानी चाहिए चारों को, तो मैं माननीय अदालत से पूछना भी चाहूंगी, और मेरा एक सबमिशन है सभी और लोगों की तरफ से सबमिशन है कि जिस प्रकार से चारों लोगों को इकट्ठी फांसी की सजा का प्रावधान जो बताते हैं, तो इकट्ठा जब उनको रिलीफ मिला था तब क्यों नहीं कोर्ट ने कहा कि भी तुम्हें इकट्ठा ही रिलीफ मांगो, अगर इतने टाइम के अंदर आपने अपने लिए जो है आवेदन नहीं किया तो उसके बाद आवेदन के आपके पास कोई गुंजाइश नहीं होगी। उनको चार एक्यूज के लिए चार टाइम दिए गए, लेकिन फांसी के लिए डेट देने के बावजूद, टाइम देने के बावजूद भी उसको फांसी नहीं हुई। इसके कारण क्या होता है, लोग जो है, कई लोग मैं कहूंगी डिप्रेशन में भी गए, आए दिन मुझसे कितने आम जनता जो आम लोग हैं वो रात रात को, कल भी मेरे पास कोई 1:30 बजे फोन आया किसी व्यक्ति का पूना से, वो इतना व्यथित था कि उसने बार काउंसिल के प्रेसिडेंट को फोन किया, वो किसी किसी को फोन करते हैं लोग की भी, ताकि हमें पता चले आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जल्लाद आए, वो उनको वापस जाना पड़ा। देखिए मनस्थिति किसी की कैसी होगी जब ये पता लग जाए कि दिन फिक्स हो गया है, टाइम फिक्स हो गया, लेकिन उसके बावजूद उसको। मैम, इस पूरे प्रकरण से सुप्रीम कोर्ट या इस कोर्ट के ऊपर लोगों का कैसा विश्वास? जानकारी पहले से थी, आपको नहीं लगता है कि आप एक महिला आयोग से जुड़ी हुई हैं, इस जगह पर जहां पर जा रहे हैं आप, वहां औचक निरीक्षण किया जाए ताकि ये चीज समझा जाए कि वहां पर कर्मचारी का महिला थाना है, यहां पर तो हमारा पता था, ठीक है ना, बाकी और जगह औचक। एक बात मैं आपको बता दूं कि औचक जो निरीक्षण होता है, और जो बताकर भी अगर हम निरीक्षण करते हैं, हमारा मकसद क्या है, महिला आयोग का क्या मकसद है? सिर्फ एक, हम ये नहीं कहते कि हमने किसी को फांसी पे चढ़ाना है, हमारा मकसद सिर्फ सुधार है। अगर मान लीजिए आज हमारे आने पर कोई सुधार हो जाता है, या हमारे आने से पहले भी कोई सुधार हो जाता है, तो हमारा मकसद सिर्फ सुधार है। अगर किसी को शिकायत है, हम शिकायत को सुन पाए, हम उसको जान पाए,
अगर किसी चीज की कमी है और वो हमारे आने से पहले पूरी हो जाती है तो फिर होगी, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। औचक निरीक्षण जो काम होना होता है, मान लीजिए उनको नहीं मालूम, आज किसी माध्यम से अगर कहीं पर पता चल भी जाता है तो कितना ही जोर लगा ले कुछ ना कुछ कमी वो छोड़ ही देंगे। और लेकिन हम लोगों का मकसद, मैंने जैसे बताया, किसी का कोई विरोध करना नहीं है, किसी की नौकरी को खोना नहीं है। हमारा अपना जो है, किसी की बहुत बड़ी कोई नुकसान कोई करेगा तो वो एक अलग बात है, देखिए, है ना। लेकिन हमारा मकसद क्या है, सिर्फ महिलाओं के लिए सुरक्षा की जो भावना है महिलाओं के अंदर रहनी चाहिए, उनकी कोई शिकायत है उनका निदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी देखिए हम आए, अभी इनको नहीं मालूम था कि मैं उनसे ये पूछ लूंगी, ठीक है ना, नहीं मालूम था। अभी हमने आकर पूछा, ये हमें क्या बता रही थी, इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने खुद जांचने की कोशिश थी, जो इन्होंने बताया वो सही पाया गया। तो ये चीज होती है थोड़ा सा कि अगर हमने देख लिया क्या इन्होंने सही बताया और क्या कंप्लेनेंट सचमुच लॉक है, सचमुच वो मतलब नहीं आ रही यहाँ पर कि आ रही है। तो कई बार पुलिस के ऊपर भी एलिगेशन होते हैं, सच्चे भी होते हैं, कई बार झूठे भी होते हैं। तो अभी हम हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, वहां पर अब क्या रहने वाला है, कितना वो उसमें सुधार पता लगने पर भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। औचक निरीक्षण हमारा कई जगह होता है और कई जगह बताकर भी होता है, लेकिन बताने के बावजूद भी कमियां जो यू की जो कि होनी ही नहीं चाहिए, वो कमी अभी हमें बिल्कुल सामने से दिख जाती है। मैंने लोगों से बात किया, हम जो लोग यहाँ अक्सर भीड़ इकट्ठी रहती थी, आपने अंदर चलो आपको पता था औचक निरीक्षण कर रहे हैं अधिकारी संभल, तो वो हम सिंपली भी हम ले सकते हैं। अगर कोई मान लीजिए छोटी सी बात है कि लोग ज्यादातर हरास कहाँ पे होते हैं, पहली बात है कि जैसे उनकी FIR नहीं होती है, FIR पे चक्कर काटते हैं, FIR हो जाती है तो FIR होने के बाद ज्यादातर लोगों की शिकायत रहती है कि हमें कॉपी नहीं मिली, नहीं देते, मैं बता रही हूँ। लेकिन ये उसका राइट है और पुलिस नॉर्मली जो मैंने अभी तक देखा है, जो जांचा है मैंने कहीं पर भी थानों में जा रहे हैं, तो उनको मिलती है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अगर कोई पुलिस वाला उससे कॉस्ट लेने की कोशिश करे या कोई हम दो नंबर में दे रहे हैं या इतने पैसे दो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये FIR लेने का राइट जो है कंप्लेनेंट का है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक मैडम बयान लिखवाते हैं ना जी, उसकी कॉपी भी देते हैं। देखिए उसी कॉपी हम RTI के जरिए ले सकते हैं, वैसे नहीं देते। हाँ वैसे नहीं देते, वैसे तो ये नहीं देते। देखो वो RTI के जरिए केस डिस्कस किया था ना आपसे, ये अपना जी वो बहुत परेशान। आज करनाल जिले में आप पहुंची हैं, अलग अलग सरकारी महिला थाना में आप बैठी हैं, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है मैम? देखिए यहाँ पर अपडेट की बात करें वैसे तो सब कुछ मैंने बातचीत की है, मेन जो हमारा आने का ये था जी मैम, वैसे तो हमारी आज ये सिंपल विजिट है, हम किसी केस के रिगार्डिंग नहीं आए हैं, हमारा सिर्फ औचक निरीक्षण ही हर जगह पर रहने वाला है। और इसी कड़ी में सबसे पहले महिला थाना में आए ताकि यहाँ पर अगर किसी को शिकायत हो, पेंडिंग हो कुछ, तो ताकि हम उससे बात कर पाएं। तो यहाँ पर एक ही FIR फिलहाल मिली जिसमें कि कोई कार्रवाई नहीं, और कंप्लेनेंट जो है खुद से आई भी नहीं अभी तक, और मैंने खुद कॉल किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, और पुलिस भी एक दो बार गई है और उनका मेल से आया रिप्लाई। तो कुल मिलाकर 354 की जो एक FIR है उस पर हम कार्रवाई पूछ ही नहीं सकते क्योंकि कंप्लेनेंट भी अभी तक आई ही नहीं है यहाँ पे, और जब तक वो शामिल तफ्तीश ना हो तब तक उसका वर्जन क्या है या अक्यूज का क्या है बताना मुश्किल है। और रही बात क्रैच की, मैंने क्रैच पूछी थी यहाँ पर क्योंकि महिला थाना है, महिलाओं का आना जाना रहता है बच्चों का, तो बच्चे होने के कारण क्रैच होना आजकल सभी जगह जरूरी है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इन्होंने रूम कर दिया है, खिलौने वगैरह भी जो भी कुछ है वो आ गया है, क्योंकि अभी तक कोई बच्चा नहीं आया है तो प्रॉपर वो स्टार्ट नहीं है, अगर कोई बच्चा आता है तो इनके पास अटेंडेंट वगैरह हैं तो वो हो जाएगा। कंप्लेंट बॉक्स यहाँ पे इन्होंने खुद ही बताया कि नहीं है, तो लेकिन ये भी इन्होंने कहा है कि लगवा देंगे क्योंकि जैसे एम्प्लॉई भी हो सकती हैं, कोई क्लाइंट्स जो पीड़ित पक्ष है वो भी कोई कंप्लेंट अगर लिखना चाहेगा तो लिख कर बॉक्स में रखेगा जिसको कि लॉक होना चाहिए ताकि इसकी एक टीम होती है प्रॉपर। वैसे तो मुझे जो पता लगा कि महिला थाने वालों की या पुलिस की ही ड्यूटी है कि अब हर जगह पे ही कंप्लेंट बॉक्स को ही एक हफ्ते में दो हफ्ते में देखा करेंगे, ये तो वो देखेंगे, ये अदरवाइज ये अपने थाने का भी देखेंगे, तो वो जरूरी है लोगों के लिए। बाकी यहाँ पर कोई ज़्यादा ऐसे कोई हालात मिले नहीं, एक महिला आई है वो यमुनानगर से मिलने के लिए, उनसे मैं बाद में बात करूंगी। और बाकी अब जो है विजिट है मेरी, कहाँ कहाँ निरीक्षण कर रहे हैं जी, सिविल हॉस्पिटल जाऊंगी और एक महिला वो है महिला आश्रम है, नारी निकेतन है, वृद्धाश्रम है, जेल है और रैन बसेरा है। मैम ये पुलिस डिपार्टमेंट ने एक स्कीम चलाई है नो योर केस, इसके बाद
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद